हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल क्विक सपोर्ट पर स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमने आपको कंप्यूटर और उसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से जुड़ी चीजों के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी। आज के इस वीडियो में भी हम आपको कंप्यूटर के एक आउटपुट डिवाइस के बारे में बताने वाले हैं। आपने कभी न कभी मार्केट, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल और हाईवे जैसी जगहों पर बड़े बड़े होर्डिंग्स, बैनर्स और पोस्टर्स जरूर देखे होंगे, जिनमें किसी फिल्मी सितारों की तस्वीरें या किसी प्रोडक्ट के विज्ञापन की तस्वीरें लगी होती है। क्या आपको मालूम है कि उतनी बड़ी तस्वीर कैसे तैयार की जाती है? आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ये काम एक प्रिंटर के द्वारा किया जाता है जो तस्वीरों को कंप्यूटर की मदद से प्रिंट कर देता है। आपका कहना पूरी तरह से गलत नहीं होगा, क्योंकि छोटे मोटे पिक्चर्स को प्रिंट करने के लिए हम प्रिंटर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें कि आप सभी ने घरों में, ऑफिस में और दुकानों में जरूर देखा होगा। लेकिन जब बात बड़े साइज की प्रिंट की होती है, तो पोस्टर्स, होर्डिंग्स और बैनर्स की, तो इन जगहों पर आम प्रिंटर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यहाँ पर जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, उसे प्लॉटर कहते हैं। ये प्लॉटर एक स्पेशल आउटपुट डिवाइस है, जिनका इस्तेमाल बड़े ग्राफ्स और लार्ज डिजाइन के हार्ड कॉपी प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्लॉटर क्या है, इनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, ताकि आपको भी प्लॉटर के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्लॉटर क्या होता है। प्लॉटर एक हार्डवेयर डिवाइस है जो एक तरह का प्रिंटर होता है। इससे ड्राइंग, चार्ट, ग्राफ, बैनर, पोस्टर आदि प्रिंट किए जा सकते हैं। इससे 3D प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। इसमें ड्राइंग बनाने के लिए पेन, पेंसिल, मार्कर आदि राइटिंग टूल्स का उपयोग किया जाता है। प्लॉटर हाई क्वालिटी के चित्रों को प्रिंट करता है। ये सामान्य रूप से बड़े आकार के ग्राफ और मैप, जैसे कि इंजीनियरिंग डिजाइन, चार्ट और बड़े बड़े पोस्टर बनाने के लिए काम आता है। सबसे पहले प्लॉटर का आविष्कार रेमिंगटन रैंड के द्वारा सन 1935 में हुआ था। शुरुआती समय में ये यूनिवेक कंप्यूटर के साथ जोड़कर उपयोग किया जाता था, जिसका इस्तेमाल टेक्निकल ड्रॉइंग्स को बनाने के लिए किया जा रहा था। लेकिन अब इसका इस्तेमाल एक एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस के रूप में किया जाता है, जहां पर प्लॉटर को कंप्यूटर से USB केबल के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है। ग्राफिक्स डिजाइन कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर जैसे कि फोटोशॉप में बनाई जाती है। कंप्यूटर से प्लॉटर को डिजाइन प्रिंट करने की कमांड दी जाती है, फिर ये पेन की सहायता से डिजाइन को पेपर पर बनाता है, जिससे एक इमेज, बैनर या पोस्टर तैयार होता है। प्लॉटर शिप मशीन और बिल्डिंग के डिजाइन बनाने के भी काम आता है। तो इसी के साथ अब हम जानते हैं कि प्लॉटर का उपयोग कहाँ किया जाता है। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि प्लॉटर एक प्रिंटर की तरह होता है, लेकिन प्रिंटर का इस्तेमाल कंप्यूटर से प्रिंटआउट या हार्ड कॉपी निकालने के लिए करते हैं, जिसमें लेजर टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है, जबकि प्लॉटर का इस्तेमाल हम बड़े साइज के ग्राफिक इमेज को बनाने के लिए करते हैं, जिसमें एक पेन और पेन होल्डर का उपयोग होता है। प्लॉटर और प्रिंटर के प्रिंट करने के तरीके में ये अंतर होता है कि प्रिंटर पेपर पर आउटपुट को डॉट्स के रूप में प्रिंट करता है, जबकि प्लॉटर पेपर पर आउटपुट को लगातार लाइंस बनाकर ड्रॉ करता है। ये किसी भी डिजाइन्स को इंच पर सेकंड की गति से प्रिंट करता है। प्लॉटर का इस्तेमाल कंप्यूटर एडिट डिजाइन यानी कि CAD, आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट, बिल्डिंग प्लान, चार्ट, बैनर, होर्डिंग, मैप इत्यादि चीजों को प्रिंट करने में किया जाता है। प्लॉटर्स आसानी से लार्ज शीट्स के पेपर में इमेज प्रिंट कर सकते हैं, साथ ही इसमें इमेज की हाई रेजोल्यूशन क्वालिटी भी मेंटेन की जाती है। प्लॉटर बहुत सी वैरायटी के फ्लैट मटेरियल्स में प्रिंट कर सकता है, जिसमें प्लाईवुड, एल्यूमिनियम शीट, स्टील शीट, कार्डबोर्ड और प्लास्टिक शीट शामिल है। प्लॉटर बेहतर क्वालिटी का रंगीन आउटपुट देता है, लेकिन ये प्रिंटर से काफी ज्यादा महंगा होता है और ये साइज में भी बड़ा होता है। और अब हम जानेंगे कि प्लॉटर कितने प्रकार का होता है। तो प्लॉटर चार प्रकार का होता है। पहला है ड्रम पेन प्लॉटर, दूसरा है फ्लैट बेड प्लॉटर, तीसरा है इंक जेट प्लॉटर और कटिंग प्लॉटर। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ड्रम पेन प्लॉटर के बारे में। ड्रम प्लॉटर का दूसरा नाम रोलर प्लॉटर भी है। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इस प्लॉटर में ड्रम पेन और इंक का उपयोग किया जाता है। ये एक ऐसा प्लॉटर है जिसमें चित्र बनाने के लिए रंगीन पेन का प्रयोग किया जाता है। इस डिवाइस में ड्रम के ऊपर कागज या शीट लगी होती है, जो उस पर रोल होती है। ड्रम पर कागज या शीट धीरे धीरे खिसकता जाता है और पेन उस कागज पर इमेज को ड्रॉ करता जाता है। ड्रम प्लॉटर में पेन को अप और डाउन मूव किया जाता है और साथ में पेपर को लेफ्ट और राइट करने के लिए ड्रम को रोटेट किया जाता है। इसमें एक मैकेनिकल उपकरण भी होता है, जिसे रोबोटिक ड्रॉइंग आर्म कहा जाता है। इसमें कलरिंग पेन और पेंसिल रखे जाते हैं।
प्लॉटर में ग्राफिक ड्राइंग की कमांड इससे कनेक्ट कंप्यूटर से दी जाती है। इस प्लॉटर में चार या चार से अधिक पेन होते हैं जिससे उच्च क्वालिटी की प्रिंटिंग होती है। पेन की संख्या प्लॉटर की क्वालिटी पर निर्भर करती है और जितने ज्यादा पेन होंगे क्वालिटी उतनी ही बेहतर होगी। आगे बात करते हैं दूसरे नंबर पर फ्लैट बेड प्लॉटर के बारे में। इस प्लॉटर को टेबल प्लॉटर भी कहा जाता है। इस प्लॉटर का उपयोग बड़े पेपर की छपाई के लिए किया जाता है जिसका आकार चौकोर होता है। इस प्रकार के प्लॉटर में फ्लैट बेड पर शीट या कागज को रखा जाता है। इसमें दो तरह के रोबोटिक ड्राइंग आर्म लगे होते हैं जिसका कार्य दो विभिन्न प्रकार के रंग के पेन को पकड़ना होता है। इसके बाद पेन रुके हुए कागज के ऊपर इमेज बनाता है। इसमें पेन आसानी से बहुत से अलग अलग साइजेस के कैरेक्टर्स ड्रॉ कर सकती है। फ्लैटबेड प्लॉटर का उपयोग कार, शिप, एयरक्राफ्ट, बिल्डिंग, हाईवे आदि को डिजाइन को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के चित्र को बनाने में समय लगता है लेकिन यह हाई क्वालिटी प्रिंट का उत्पादन करता है। आगे नंबर तीन पर है इंकजेट प्लॉटर। इंकजेट प्लॉटर कागज पर स्याही यानी इंक की छोटी बूंदों को छिड़ककर एक इमेज बनाता है। इंकजेट प्लॉटर का इस्तेमाल ज्यादातर कस्टमर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए किया जाता है क्योंकि इसमें बहुत ही रंगीन इमेज की बड़ी आउटपुट निकाली जाती है। एडवर्टीजमेंट एजेंसीज और ग्राफिक इंजीनियर्स के लिए ये एक बहुत ही लोकप्रिय ऑप्शन है। इंकजेट प्लॉटर का उपयोग आमतौर पर बड़े आउटपुट के लिए किया जाता है जैसे बैनर्स, होर्डिंग्स, बिलबोर्ड्स, रोड साइड के बड़े साइंस इत्यादि। इंकजेट प्लॉटर भी दो प्रकार के होते हैं। पीएजो इलेक्ट्रिक प्लॉटर इंक को छिड़कने के लिए चार्ज्ड क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हैं जबकि थर्मल प्लॉटर इंक की बूंदों को छिड़कने के लिए हीट का इस्तेमाल करते हैं। इंकजेट प्लॉटर आमतौर पर अन्य प्रकार के प्लॉटर की तुलना में बेहतर क्वालिटी वाले ग्राफिक्स का उत्पादन करता है। बढ़ते आगे नंबर चार की तरफ जो है कटिंग प्लॉटर। कटिंग प्लॉटर एक बड़े पैमाने पर कट कंप्यूटर प्लॉटर है जो रेडी कट माइलार या विनाइल लेटरिंग और ग्राफिक्स प्रोड्यूस करता है। इसमें ऑटोमेटेड प्लॉटर नाइफ्स लगे होते हैं जो आउटपुट शीट को कट करती है। इस प्लॉटर का उपयोग आमतौर पर कैड एप्लीकेशन के लिए किया जाता है जिसमें बड़े ग्राफिक्स डिजाइन जैसे कि आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट का आउटपुट निकाला जाता है। ये डिवाइस बहुत ही ज्यादा स्पीड और शुद्धता प्रदान करती है जिसे कि ट्रेडिशनल मेथड से प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। तो आशा है कि आपको इस वीडियो से प्लॉटर क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है और ये कितने प्रकार का होता है, इससे जुड़ी सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि हमारे वीडियो के जरिए आपको दिए गए विषय पर पूरी जानकारी प्राप्त हो सके ताकि आपको कहीं और न जाना पड़े। इस वीडियो से जुड़ी कोई भी परेशानी हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि हम आपकी परेशानी को जल्द से जल्द दूर कर सके। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इसी के साथ धन्यवाद।